बंध लगाने हैं, जालंधर बंध, उद्यान बंध, अंगूर बंध। तो छुट्टी को ऐसे कलकूप से लगाएंगे जालंधर बंध, छाती के नीचे के पेट को पूरा अंदर कर लेंगे उद्यान बंध, और नाभि के नीचे के पेट को पूरा ऊपर की ओर खींच लेंगे मूल बंध। तीनों बंध एक साथ लगेंगे। इस दौरान श्वास लेना छोड़ना नहीं, और थोड़ी देर रुकना, फिर जैसे ही श्वास लेने की तीव्र इच्छा होगी धीरे से आप श्वास ले लेंगे। ठीक, तो एक बार हमारा देख लेंगे इस प्रकार करना। जैसे ही श्वास लेने की तीव्र इच्छा हो धीरे से श्वास ले। चलिए करेंगे अब सब एक साथ। लंबी गहरी श्वास लें, पूरी पूरी श्वास छोड़ दीजिए, फिर तीन बंध लगा लीजिए, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। तीनों बंध एक साथ लगे हुए हैं। इस दौरान श्वास लेना और छोड़ना नहीं, थोड़े देर रुकिएगा। जैसे आपको लगे आप श्वास ले लेना चाहिए तो धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर। फिर से करेंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी की पूरी श्वास बाहर छोड़ दीजिए, तीन बंध लगा लीजिए, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। तीनों बंध एक साथ लगे हुए हैं। इस दौरान श्वास लेना छोड़ना नहीं, थोड़े देर रुकेगा। धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर। अब हम करेंगे अग्नि सार क्रिया। लंबी गहरी श्वास लेके पूरी की पूरी श्वास बाहर छोड़ देना, उसके बाद पेट का मंथन करना, आगे पीछे पेट को हिलाना। देखिए सातों आठों प्राणायामों का मिला जुला असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो देखिए वायु प्राणायाम और अग्नि सार क्रिया, इससे विशेष रूप से कब्ज, एसिडिटी, अल्सर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम विशेषकर दूर होती है। और अग्नि सार क्रिया विशेषकर जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत 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 फायदेमंद है। तो 11 से 21 बार पर भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार करके दिखा रही हूँ, हमारे मित्रों में भी आ जाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेके पूरी की पूरी श्वास बाहर छोड़ देना, उसके बाद पेट को आगे पीछे हिलाना है। आप एक बार देखेंगे, जितने देर आप हिला सकते हैं, 40 बार 50 बार 30 बार 5 मिनट चलेगा। चलिए करेंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी की पूरी श्वास बाहर छोड़ दीजिए, पेट को हिलाइए, अच्छे से हिलाइए, बिल्कुल बढ़िया, पेट को हिलाइए आगे पीछे। विश्राम, श्वासों की गति के ध्यान। फिर से लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए,
Dave Kuntilanak. करते हम उच्चाई प्राणायाम को, जिनको गले से संबंधित रोग है या हमेशा खांसी रहती है या जो चुतला कर बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, तो उनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद। तो कोयल के समान आवाज आती है, तीन बार आधा और चौथी बार लंबा खींचना और फिर चार अंदर बंद करके लगा करके फिर राइट हैंड उठाएंगे और नासिका से नासिका को दबा देंगे, लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ देंगे। ठीक, एक बार हमारा देखेंगे। One, two, three,
4, 5, dan bisa dikaya. Five, parvatasan ke sthiti. Six, purane chaya se. Seven, uthaye samne ka bhaag. Eight, parvatasan ke sthiti. 9 10 11 12 A battery. हमारी ज्वाली बहन आई जी सब आप लोगों के लिए बहुत सुंदर ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो मुश्किलों से मुश्किलें तो हमारे जीवन में आती हैं, आती रोज कुछ अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, लेकिन अगर हमारा मनोबल ऊंचा है और ये मनोबल ऊंचा सकारात्मक चिंतन के आधार पर स्वतः होता है, इसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आई होंगी। आप सुनील भाई से मुझे मिलते हैं, उनके जीवन में भी कई परिस्थितियां आई होंगी। आप मुझसे मिलेंगे, मेरे जीवन में भी कई परिस्थितियां आई होंगी। कभी आप गीली हुई होगी, नैनों में आंसू आए होंगे, संभालना बड़ा मुश्किल लगा होगा, लेकिन फिर भी वो अदृश्य शक्ति की आवाज जैसे हर पल सुनाई देती रही कि बच्चे तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना, मैं हजार भुजाओं के साथ तुम्हारे साथ। तो मैं जो पॉजिटिव थॉट्स आपको दिया करूंगी तो उसमें कोई बात आपको अच्छी लगे ताली जरूर बजाना, मेरे लिए नहीं उस बात के लिए, और दूसरा मुस्कुराना जरूर। मैं हमेशा एक बात सबको आजकल कह रही हूँ, बड़े हार्ट से निकलती है ये बात कि कोई बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर दम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कुरा सके तो क्या बड़ी बात है, हार कर मुस्कुरा सको तो वो जिंदगी है। मुस्कुराना हमारे जीवन का अंग बन जाए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जी करके तो देखिए कितना आनंद आता है। तो आज हमारी गौरी बहन इस भाव में आपको ले जाएगी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा। क्योंकि आते साथ हमको सुनील भाई ने ये गीत बोला, हालांकि मैंने गौरी बहन को तैयार नहीं किया था, अभी हमारी गौरी बहन बहुत अच्छा सबको ऐसे भावनात्मक स्तर पे ले जाती है कि सभी खो जाते हैं, और उस साल ये गीत बार बार बजा तो बच्चों के अंदर कैसी जागृति, उमंग, उत्साह, और जो यहाँ पर आप रह करके अकेले पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स से दूर रहते हैं, लेकिन अपनी आत्मिक शक्ति को कभी भी क्षीण होने नहीं देना, वो परम सत्य परमात्मा आपके साथ।